फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनुराग मिश्रा शो। और मैं हूं अनुराग मिश्रा। जी हां, आज एक नए दिन, एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करें उससे पहले थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेते हैं, हमने अभी तक क्या किया है। जी हां, अभी तक हमने प्लांट से मिलने वाले फूड, खास करके किस टाइप के होते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया कैसे जाए, हरित क्रांति और भी सफेद क्रांति या जो भी क्रांतियां हुई हैं, एमएस स्वामीनाथन के बारे में हमने देखा, छोटे छोटे और भी कई सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। आज इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे फूड प्रोटेक्शन। जी हाँ, जो हम खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है, जब तक वो फसल में है यानी खेतों में है तब तक, और फिर जब वो घर पे आ जाते हैं तब भी, यानी दोनों जगहों पे उनकी सुरक्षा कितनी जरूरी है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो लगभग 20-25% तक फूड ग्रेन्स अभी भी हमारे नुकसान हो जाते हैं खेतों से घर पहुंचने तक। आप देखेंगे तो बाहर सरकारी गोदामों में या अन्य कई जगहों पे अनाज चढ़ रहे होते हैं, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये हम लोगों की एक कमी है। तो चलिए उसी को शुरू करते हैं, यानी फूड प्रोटेक्शन। जी हाँ, जो एक तरीके से खाद्यान्न हमने उत्पन्न किया है या हम उत्पन्न कर रहे हैं उसकी सुरक्षा करना ही, प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू दैट फूड ग्रेन्स और फूड प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड द फूड प्रोटेक्शन। इसमें सबसे बड़ी दो चीजें आती हैं। जब तक वो फूड प्रोडक्शन आपका फसल खेतों में है तब तक तो आपको, खास करके देखा जाए तो दो लोगों से या चाहे वो पेस्ट हो या वीड्स हो उनसे निपटना होता है, और जब वो घर आ जाते हैं तो फिर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से निपटना होता है। ये हम बाद में देखेंगे जब हम स्टोरेज का टॉपिक कवर करेंगे और इसी वीडियो में, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं पेस्ट कंट्रोल, वीड्स एंड वीड्स कंट्रोल। सबसे पहले टॉपिक आता है पेस्ट क्या होता है। जी हाँ, पेस्ट यानी वो सारे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स जो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, चाहे वो बड़े हो जाए या फिर छोटे हो जाए, अलग अलग तरीके से कीड़े मकोड़े होते हैं। अभी आजकल आप देखे होंगे, कल अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, कल 24 मई की बात है। जी हाँ, 24 मई की बात है, जयपुर में लोकस्ट यानी टिड्डियों का अटैक हो गया। लोगों को अपने घरों पे टिड्डियां मिलने लगेंगी। आज अभी आप गूगल सर्च करेंगे लोकस्ट अटैक इन जयपुर, आपको मिल जाएगा। लोगों के घरों पे, फसलों में, हर जगह टिड्डी, यानी वो क्या करते हैं, पूरा झुंड का झुंड आ जाता है और सारी फसलों को घंटों के अंदर ही एकदम चट कर जाता है और कुछ नहीं बचता है। तो इनसे बचाने के लिए, इन सारे जो कीड़े मकोड़े छोटे होते हैं, रोडेंट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सारे फंगस होते हैं, इन सारे लोगों को पेस्ट कहा गया है, और इनसे बचाने की प्रक्रिया पेस्ट कंट्रोल कही गई है। तो सबसे पहले है हम इन्हीं को देखेंगे, पेस्ट क्या होते हैं और पेस्ट कंट्रोल क्या होता है। आगे हम शुरू करें, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोरल बूस्टर का काम करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा। और भी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हमारे साथ धीरे धीरे ऐड हो रहे हैं। हम लोग एक नए वेबसाइट में भी आ गए हैं, wisdomclasses.net.in पे भी, वहाँ पे भी आप हमारे अभी कंस्ट्रक्शन पेज में है, तो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पेस्ट एंड पेस्ट कंट्रोल। अब सबसे पहले बात आती है पेस्ट क्या होते हैं। जी हाँ, वो सारे इंसेक्ट्स और एनिमल जो फूड क्रॉप की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और क्यों अट्रैक्ट होते हैं, उनको वहां पे फूड मिलता है, शेल्टर मिलता है, फूड शेल्टर ब्रीडिंग के लिए स्पेस मिल जाता है। तो इन कुछ वजहों की वजह से वो सारे इंसेक्ट जो लोग खास करके छोटे छोटे बड़े कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो अगर फसल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपने भोजन के लिए, आवास के लिए और तरीके से प्रजनन के लिए, उन सारे लोगों को यहाँ पे पेस्ट कहा गया है। दूसरा, इनसे बचाव करने की प्रक्रिया, चाहे वो हम पेस्टिसाइड का यूज करें या फिर कोई और मेथड अपनाएं, वो पेस्ट कंट्रोल कही जाती है। यानी प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द पेस्ट टू आवर क्रॉप इस कॉल्ड पेस्ट कंट्रोल। जी हाँ, तो हमने अभी देखा है पेस्ट क्या होता है, पेस्ट कंट्रोल क्या होता है।
अब हम इसके अंदर थोड़ा सा और देखते हैं कि पेस्ट कंट्रोल में क्या क्या आते हैं और पेस्ट कौन कौन से होते हैं जिनको हम, यानी वो कौन कौन से नुकसानदायक कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे आसपास देखने को मिल जाते हैं। जब हम बात करते हैं पेस्ट कंट्रोल की, तो पेस्ट कंट्रोल के मेजर्स क्या हो सकते हैं, यानी इनको हम कैसे रोक सकते हैं। इसमें सबसे पहली चीज आती है कि जो हम फसल बो रहे हैं, यानी जो वैरायटी यूज कर रहे हैं, जो स्पीसीज या सीड का यूज कर रहे हैं, वो पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाए। जी हाँ, टेक्नोलॉजी जैसे हमने लास्ट वीडियोज में देखा था, खास करके बायो जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ऐसी प्रजातियां उत्पन्न की जाती हैं जिनकी तरफ कीट आकर्षित ही नहीं होते हैं। जी हाँ, फिर दूसरा उसमें कुछ मेडिकली ट्रीटमेंट किया जाए, कुछ और भी हम उसमें कर सकते हैं, खास करके प्लांट अगर मान लीजिए कीड़े मकोड़े आ गए तो कुछ और ट्रीटमेंट, उसमें कुछ दवाओं का छिड़काव या फिर स्प्रे किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मेजर्स होते हैं जो हमको तरीके से पेस्ट कंट्रोल के मेजरमेंट के तरह अंतर्गत आते हैं। ये 3-4 पॉइंट जो खास करके रेजिस्टेंट हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट हो गया, फिर पैरासिटिक कंट्रोल हो जाता है, कैसे आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट आता है क्रॉप रोटेशन। जी हाँ, क्रॉप रोटेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम एक क्यूरेटिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई और मेडिसिन यूज नहीं कर रहे हैं, बस केवल फसलों को आपस में इधर उधर बदल देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, वो पेस्ट जो उस सीजन में आने वाले होते हैं नहीं आते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं पेस्ट कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किन किन फसलों में ये आते हैं। जब हम बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल की, तो सबसे पहले उसमें आते हैं लीफ ईटर्स, यानी ऐसे इंसेक्ट जो पत्तियों को खा जाते हैं। जी हाँ, पत्तियों को खाने वाले लीफ ईटर्स कहे जाते हैं, इनको डिफॉयलेटर्स भी कहा जाता है। खास करके जो पत्तियां होती हैं हमारे प्लांट्स की, क्रॉप्स की, उसको ये नुकसान कर जाते हैं, और जब पत्तियां खत्म हो जाती हैं तो फिर पूरा प्लांट धीरे धीरे सूख जाता है। कुछ और भी इसी टाइप के होते हैं, चाहे वो लीफ रोलर्स हो जाएं या सैप सकर हो जाएं, फ्रूट डिस्ट्रॉयर्स हो जाएं, या एपिडर्मिस के अंदर भी पहुंच जाने वाले होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जैसे हमने आपको बताया कि लीफ ईटर्स हो गए, लीफ रोलर्स हो गए, सैप सकर से क्या करेंगे, स्टेम में घुस जाएंगे। इनको हिंदी में तना भेदक भी कहते हैं, स्टेम के अंदर घुस जाएंगे और उसके अंदर जो सेल सैप होता है उसको नुकसान पहुंचा देंगे, फिर धीरे धीरे पूरा प्लांट सूख जाता है। गन्नों में आपने खास करके देखा होगा। तो सिट्रस में आप देखिए लीफ रोलर्स वहां पे मिल जाते हैं, नींबू की पत्तियों पे डिजीजेज आती हैं, ये सारी छोटी छोटी इंसेक्ट होते हैं जो उनको नुकसान पहुंचा देते हैं। फ्रूट्स में लग जाते हैं, फ्रूट डिस्ट्रॉयर्स, आप बहुत सारे फ्रूट्स आप देखते होंगे उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे खराब हो जाता है, यानी पूरा फूड का फूड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो एक तरीके से हमारा लॉस ही होता है। हम इनको कैसे मिनिमाइज करें, इसमें भी अगर हम देखेंगे तो जो पत्तियों के ऊपर लगने वाले होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो चलिए एक बार हम पहले उनको भी देख लेते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं वो कितने टाइप के और हो सकते हैं। जब हम बात कर रहे थे लीफ ईटर्स की, तो उसमें चाहे ग्रासहॉपर हो गया, लोकस्ट हो गया, या फिर आपका बीटल्स हो गए, मॉथ्स हो गए, ये सारे लीफ ईटर्स में आते हैं। इनको डिफॉयलेटर्स भी कहा जाता है, जो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसी के साथ हम एक अगले टॉपिक पहुंच जाते हैं, और टॉपिक का नाम है आपका वीड एंड वीड कंट्रोल। जी हाँ, फसल के अंदर वीड्स यानी खरपतवार, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए वो भी हम आज ही देख लेते हैं, वीड्स और वीड्स कंट्रोल के तहत। सर्टेन अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो इन द क्रॉप फील्ड आर कॉल्ड एज वीड्स। जी हाँ, वो ऐसे पौधे जिनकी हम बुआई नहीं करते हैं और वो भी उगाते हैं। अब वो क्या करेंगे, हम जो खाद पानी या और मैन्योर्स जो भी देखभाल कर रहे हैं, अब कर रहे हैं तो गेहूं के लिए, लेकिन उसमें कुछ और खरपतवार उगा है, तो उससे क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। यानी जो गेहूं का प्लांट है वो तो कमजोर हो जाएगा, पड़ोसी मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो ऐसे अनावश्यक खरपतवार हैं जिनकी हमने बुआई नहीं की है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो भी आ जाते हैं। एक बहुत बड़ा तरीके से देखा जाए तो एक धोखा हमारे साथ हुआ था 1965 की बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हम लोगों ने
अमेरिका हमारे पास तो उस टाइम पे खाद्यान्न इतने, हरित क्रांति आई नहीं थी तो खाद्यान्न इतने उत्पन्न होते नहीं थे, तो हम लोगों ने अमेरिका और ब्राजील से गेहूं आयात किया था उस टाइम पे पाकिस्तान के युद्ध के बाद। अब वहां से उन्होंने घास तो गेहूं तो दिया, लेकिन साथ में एक खरपतवार जो उनके यहाँ बहुत ज्यादा थी वो भी उसी में मिक्स करके दे दी। अब लोगों ने तो खाना बनाया खाया, लेकिन कुछ लोगों ने बुआई भी कर दी। अब जब बुआई कर दी तो अमेरिकन घास हर जगह पहुंच गई, यानी हर सबके खेत में पहुंच गई। तो उस टाइम पे जब 69 का इलेक्शन इंदिरा गांधी लड़ रही थी तो हर कोई कह रहता था ये देखो कांग्रेस घास, उस घास का नाम ही कांग्रेस घास पड़ गया था, आज भी कांग्रेस घास आपको मिल जाएगी। तो ये तरीके से वीड्स था उस टाइम पे भी, और आज भी आप देखेंगे गेहूं के खेत में बहुत सारे ऐसे वीड्स आपको मिल जाएंगे जो इनकी आप बुआई नहीं करते हो, लेकिन वो उगाते हैं और वो आपकी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इनको कंट्रोल करने के बहुत इफेक्टिव तरीके और जरूरी भी होता है वो हम देख लेते हैं। अगर हम उनको कंट्रोल करने की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो वीड्स होते हैं इनके टाइप्स क्या होते हैं। देखा जाए तो अमूमन दो टाइप के होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले और एक पतली पत्ती वाले। जो चौड़ी पतली वाले होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले होते हैं वो खास करके मोनोकोटिलेडन्स यानी अनाजों में, खास करके धान और गेहूं में मिलते हैं। लेकिन जो पतली पत्ती वाले होते हैं वो और भी खास करके तिलहन में या फिर दलहन में, इन सारे में मिल जाते हैं। तो ये दो आपने देख लिया होगा कि चौड़ी पत्ती यानी ब्रॉड लीव्ड और दूसरा नैरो लीव। अब बात आती है इनके कंट्रोल की। जी हाँ, इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। जब हम कंट्रोल की बात करते हैं तो इसमें तीन महत्वपूर्ण तरीके आते हैं। सबसे पहला तरीका जो हमारे यहाँ से प्रिमिटिव तरीका माना जाता है या पुराना तरीका माना जाता है, मैकेनिकल मेथड। जी हाँ, आदमी लगा दीजिए या फिर इंस्ट्रूमेंट ले लीजिए और एक एक खरपतवार को बीच बीच में से प्लग आउट करिए, निकालिए। यानी अगर आम भाषा में कहा जाए, आम बोलचाल की भाषा की हम बात करें तो जिसे हम निराई कहते हैं। जी हाँ, जब धान की आप फसल देखिए तो कई सारे लोग धान की फसल में जाते हैं और एक्स्ट्रा जो वीड्स होते हैं उनको वहां से निकाल के बाहर लाते हैं। तो ये होता है मैकेनिकल तरीका। दूसरा तरीका होता है केमिकल मेथड। जी हाँ, केमिकल मेथड में हम कुछ रसायनों का प्रयोग करते हैं। अब वो रसायन क्या करेंगे कि जो हमारी मेन क्रॉप है उसको तो नहीं नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर वीड को नुकसान पहुंचाएंगे। कभी कभार क्या होता है कि जो हमारी मेन फसल होती है कुछ रसायन इतने खतरनाक होते हैं कि उसको भी नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे एक ऑलराउंडर के नाम से मार्केट में आता है, आप उसको लगा दीजिए तो हरा भरा पेड़ रहे वो भी सूख जाए। लेकिन हाँ, कुछ और भी ऐसे होते हैं जो केवल दूसरी यानी वीड्स को ही खत्म करते हैं, नॉर्मल क्रॉप्स को नहीं खत्म करते हैं। अब तो ये आपका हो जाता है केमिकल मेथड। तीसरा मेथड होता है बायोलॉजिकल मेथड। जी हाँ, जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की तो वहां पे आप कुछ ऐसे फसलों का प्रयोग कर सकते हैं, खास करके ओपुंसिया, जो बाकी और तरीके से वीड्स के जर्मिनेशन को रोक देती है। दूसरा एक और इसमें तरीका अपनाया जाता है कि क्रॉप रोटेशन या क्यूरेटिव मेथड की हमने जैसे बात की हुई थी पेस्ट कंट्रोल के टाइम पे। जी हाँ, जब आपको पता है कि इस फसल के बाद ये वीड उगती है, अब आप क्या करेंगे उस फसल को, वो उनकी बुआई नहीं करेंगे। यानी जब उस फसल की बुआई नहीं करेंगे तो वो वीड उगेगी नहीं, उसमें कोई दूसरी फसल कर देंगे, इसके साथ वो वीड खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है। ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल मेथड उतना प्रभावी नहीं होता है। केमिकल और मैकेनिकल, मैकेनिकल होता है टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको उसमें एक्स्ट्रा लेबर चाहिए और एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। और केमिकल होता है थोड़ा सा जल्दी होता है, लेकिन वो नुकसानदायक भी होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी कम कर सकता है। तो ये आपके थे वीड एंड वीड कंट्रोल की बात, जहां हमने वीड क्या होते हैं और उसके बाद उनके टाइप क्या होते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले हों या फिर पतली पत्ती वाले हों, फिर उनको कंट्रोल करने के तीन मैकेनिज्म, खास करके मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीनों मेथड की हमने चर्चा की। अब आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब इस फूड प्रोडक्ट प्रोटेक्शन के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो स्टोरेज ऑफ फूड है। जी हाँ, आपने फसल पैदा कर ली, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली, घर ले आए, अब उसको स्टोर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। या आपने उसको सेल आउट कर दिया तो चाहे वो गवर्नमेंट के पास गया हो या फिर किसी आढ़ती के पास गया हो, वहां भी उसका स्टोरेज
अच्छे तरीके से होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर उसमें रोडेंट्स लग जाएं या फिर मॉइस्चर आ जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो इसी स्टोरेज करने के लिए या इसकी प्रोक्योरमेंट और बाकी देखभाल करने के गवर्नमेंट ने एक संस्था बनाई है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये काफी पुरानी, लगभग 60-70 साल पुरानी संस्था है, जिसका काम ही यही है अनाज को खरीदना और उसका भंडारण यानी स्टोरेज करना। जो हम स्टोरेज करते हैं तो हमें दो फैक्टर से निपटना होता है। जी हाँ, दो फैक्टर की बात कर रहे हैं। काफी आसान चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी और आप लिख भी सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी वो सारे फैक्टर जो जीवित होते हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर में आप देखिए, चाहे वो इंसेक्ट लग जाए, कीड़े मकोड़े, चाहे घुन हो गया या फिर और भी चीजें लग जाती हैं आपकी अनाज में। दूसरा, चूहे लग जाते हैं, रोडेंट्स उनको कहा जाता है, या फिर कहीं बाहर पड़ा हुआ है तो और भी कोई जानवर आके नुकसान कर सकता है। यानी बायोलॉजिकल फैक्टर, यानी ऐसे जहां पे थोड़ी सी लाइफ की वजह से आपके स्टोरेज को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं। इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो हम दवाओं का प्रयोग करते हैं या फिर ऐसे स्टोरेज को जहां पे सारी चीजें ना जा सके। दूसरा, एबायोटिक फैक्टर होता है। एबायोटिक फैक्टर की जब आप बात करते हैं तो वहां पे ऐसे फैक्टर जो लाइव नहीं है, जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले उसमें आ जाता है नाम आपका मॉइस्चर का। जी हाँ, अगर फसल में आपकी नमी है, आपने जो धान या गेहूं इकट्ठा किया है, नमी है तो तुरंत उसमें फफूंद लग जाएगी, वो क्या करेगा, फिर नुकसान पहुंचा देगा। एक्स्ट्रा हीटिंग आपने दे दी, या फिर आपने स्टोर करके रखा है, कहीं से उस पर पानी गिर गया, या फिर ज्यादा एक्सपोजर धूप में ज्यादा चला जाए तो सूख जाएगा। तो ये सारी चीजें खास करके जो एबायोटिक फैक्टर्स यानी जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, वो जब प्रभावित करते हैं आपके स्टोरेज को तो एबायोटिक फैक्टर के तहत आते हैं। इन सारी चीजों से हमें बचा के रखना चाहिए, चाहे वो स्टोरेज करने का कोई भी तरीका आप अपनाएं, चाहे वो बोरे में रखें या फिर बड़े बड़े घरों में जो आप बनवा के रखते हैं उनमें रखें, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि आपने अगर इतनी मेहनत से फसल पैदा की है तो उसको सुरक्षित रखना भी चाहिए। अब आगे के हम एक वीडियो और लेके आने वाले हैं, उसमें आप देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री और खास करके मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स और उनसे होने वाली डिजीजेज और उनसे बेनिफिट्स की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।